तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, और इसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी नई टॉपिक एडवांस बेस्ड स्पेशल के बारे में। तो चलिए, हमने कुछ दिन बाद क्लास स्टार्ट किया था, हमारी दुर्गा पूजा नवरात्रि की छुट्टी थी इसलिए। तो हम बात कर रहे हैं पेस्ट एज ए पेस्ट स्पेशल में एडवांस पेस्ट। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपको कॉपी पेस्ट करना सिखाया है, किस तरह से कॉपी करते हैं, किस तरह से पेस्ट करते हैं। एक चीज और इसने बताया था, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ए मेरा 20 है और यहाँ पे मेरा 30 है। अगर मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करता हूँ तो ये अपने आप को रिप्लेस कर देता है, मतलब कि 30 20 से रिप्लेस हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूं पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे मैं ऑपरेशन आपको दिख रहा है, इस ऑपरेशन में हम यहाँ पे ऐड को सिलेक्ट कर, तो क्या होगा, अब दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं रहेगा, तो रिप्लेस नहीं होगा, दोनों के बीच में हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। और यहां पे अपडेट करते हैं, देखिए ओके, तो 50 आ गया। मतलब जब आप कॉपी करते हैं, आप किसी पे पेस्ट करते हैं, ऑपरेशन पेस्ट स्पेशल में, अगर आप ऑपरेशन में आपने पेस्ट स्पेशल में यहां पे इस ऑपरेशन में अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है यहां एड, तो एड करेगा, डिवाइड डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। चलिए इसकी बेनिफिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। जैसे 20 हमने लिखा और परसेंट का सिंबल दिया, एंटर मारते, अब यहाँ पे 20% आप दिख रहे हैं। तो क्या मैं 20 लिखूं और इसके ऊपर मैं अगर परसेंटेज का सिंबल लगाऊं तो 2000% हो जाता है, मतलब कि सिस्टम में 1 = 100%। ध्यान रखिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लिखूं 0.20, उसके बाद इसके परसेंटेज का सिंबल लू तो परसेंटेज हमारा आएगा। अब यही पे एक दिक्कत आती है कि मेरे जो कलीग थे वो यहाँ पे नेम लिख देते थे, यहाँ पे नेम, और यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट की सेल लिख देते, और ऊपर में वो परसेंटेज दे देते थे हमें। रोज खान जी समझ में आ रहा है ना, हेलो हेलो रोज खान जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ 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 बिल्कुल। तो इस तरह से मेरे पास 12-13 है या 15 या 16 है, देखिए ऐसे बहुत हो सकते हैं। और इसमें सैंपल डेटा के लिए रैन बिटवीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, रैंडम नंबर यहाँ पे, तो एक सेट यहाँ बन गया हमारा, कॉपी करके इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे जहाँ ए इसमें परसेंटेज का सिंबल है, मतलब कि नंबर नहीं है, 33 मतलब कि इसको होना चाहिए कुछ इस तरह से। होना चाहिए कुछ इस तरह के फॉर्मेट में, लेकिन हुआ इस फॉर्मेट।
अब यही पे क्योंकि एक एक करके करना तो पॉसिबल नहीं है, काफी ज्यादा टाइम करेगा एक एक करके करना। सबको अगर सिलेक्ट करके परसेंटेज दिया जाए तो नहीं होगा। तो फिर वही तो दिक्कत है कि परसेंटेज जो है ये परसेंटेज है नंबर फॉर्म है। सुनील जी मेरा आपको हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर, अगर परसेंटेज दूं तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल आ जाता है 3000। जैसे मैं ऊपर आपको समझाया ना आपको कि अगर मुझे परसेंटेज बढ़ती है 0.30 लिखूं तो ज्यादा परसेंटेज बनेगा या फिर 30%। तो मेरे पास दो उपाय है, खाए तो मैं कुछ किसी तरह से यहाँ पे 3-3 करूँ या फिर इसके अंदर 30% इस परसेंटेज का सैंपल लगा। तो छोटा सा डेटा, चलो आप इसको मैनेज कर लोगे मैनुअल, लेकिन डेटा कई हजार रोज में आता है। तो उस केस में हम किसी एक अनोदर सेल पे 100 को लिखें, उस 100 को कॉपी करके एरिया को सिलेक्ट करेंगे, 100 कॉपी कर मैंने पूरे एरिया को सिलेक्ट। राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इस पे हम कर देते हैं डिवाइड। तो जब ए 3300 से डिवाइड होगा 0.33 होगा ना, परसेंटेज देखिए देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना। समझ में आया आप लोगों को? ठीक जी, समझ गया। सुनील जी, फिरोज जी, संतोष मैन जी, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, अभी तो मैं 100 हमारा फिक्स था, 100 फिक्स था हमारा, लेकिन इस बार जो है हमारे पास अलग अलग, मतलब कि ये हमारा सेल्स है, हमारा ये हमारा टारगेट है। तो ये तो हम टारगेट है, तो अगर फिक्स टारगेट होता तो 170 होता तो हम कॉपी करके उसके ऊपर पेस्ट स्पेशल कर दें। लेकिन क्या है कि इस बार हमारे प्रोडक्ट का टारगेट, हर प्रोडक्ट का, हर बंदे का टारगेट अलग है, तो हमें 1 by 1 डिवाइड करना है। मतलब कि 71 या 33 को 71 से डिवाइड कर देना। उसी तरह से यहाँ पे आपका P2 है, 58 को 30 को P2 से करना, इस तरह से करना है। को मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल और इसमें आप दे दीजिए पूरा का पूरा डेटा डिवाइड। अभी परसेंटेज डाल दीजिए। अब इसमें एक चीज और भी है, अगर फिरोज जी, सुनील जी, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा था तो मैंने आपको म्यूट कर दिया, तो पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिए। अब इससे मान लीजिए ये तो जो नंबर था, मान लीजिए फॉर्मूला होता किसी तरह का, या हर हर कॉलम का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला होता, तो मुझे फॉर्मूले को रिप्लेस नहीं करना है, फॉर्मूला जैसा है वैसा रहना चाहिए। हमें फॉर्मूले के अंदर जाके डिवाइड करना, मतलब इस तरह से डिवाइड बाय 71, तो ए भी हो जाएगा। कैसे? इसको हम कॉपी करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम यहां भी सिलेक्ट करेंगे दीवार, और ध्यान रखिए यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूला, वैल्यू की गलती से बस सिलेक्ट करता हूं वरना इसमें दिक्कत हो जाएगी।
ऑल कर दिया, डबुला कर दिया, ओके। अब देखिए फॉर्मूला मेनू बार के अंदर में जाके इसे डिवाइड किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फॉर्मूला है या डेटा है। क्लियर है दोस्तान जी? जी जी क्लियर। तो इसका इस्तेमाल होता है। अब चलिए हम अगली एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे हम अपने को सेल्स को रखते हैं, अब मुझे क्या करना है इसके ऊपर जो है इसके अंदर जो है ये करना है, इसको इसमें क्या है कि सेल्स है। अब इसको मैं क्यूसी के लिए अपने टीम को भेज दिया। अब क्यूसी करते समय उनको इसमें से कुछ दिक्कत दिखा, जैसे कि उन्होंने दिखा कि नहीं 58 नहीं यहाँ पे 55 होना चाहिए, टाइपिंग से 96 नहीं 36 वापस आ गया तो 90 होगा, ऐसी 14 नहीं है 24 है, ऐसी यहाँ पे 62 नहीं है 60 है या 90 है, इस तरह से कुछ चेंज नहीं है। अब मुझे इसको अपडेट करना है, तो अब मैं एक एक करके करूंगा। ये तो जो 4-5 है इसलिए 2 मिनट में हो जाएगा कि 4-500 हुआ, ये 4-5 हजार हुआ, तो काफी टाइम कंज्यूम करेगा। तो हम इसको कॉपी करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट कर दें तो हमारा ब्लैंक भी पेस्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ब्लैंक इस पे पेस्ट ना हो, तो हम इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल करेंगे और पेस्ट स्पेशल में यहां देखिए स्किप ब्लैंक का ऑप्शन है। तो स्किप ब्लैंक क्या करता है कि जिस जहां से आपने कॉपी किया है उसमें अगर ब्लैंक है तो उसको स्किप करके पेस्ट करें, जैसे कि इस पूरे एरिया को पेस्ट नहीं करेगा, उसको स्किप कर दे, ठीक है। क्लियर है संतोष जी, सुनील जी एंड फिरोज खान जी? हेलो हेलो, सुन रहा है आपको? जी जी। अब कुछ और बात करते हैं, हम बात करते हैं ट्रांसपोज की। दैट इज ट्रांसपोज आपको पता ही होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर देता है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। चलिए हम बात करते हैं इसमें पेस्ट एडिटिंग के बारे में। अब मेरे पास एक डेटा है और डेटा डिफरेंस ही डिफरेंट फाइल पे भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल चलिए एक ही फाइल पे। और मैं चाहता हूं कि इसका लिंक इसी सीट पे या किसी और सीट पे या किसी और फाइल पे होगा, हर जगह मुझे टाइप करने की जरूरत ना पड़े। तो हम इक्वल प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ अगर मैं कैलकुलेटर पे 35 कर देगा तो 69 करता हूँ, तो देखिए एंटर ही चेंज हो जाता है। और इसको अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग तरीके से भी यूज करते हैं।
चलिए आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। अब एक डेटा ओपन करते हैं, मान लीजिए कि ये डेटा है हमारे पास, छोटा डेटा है इसलिए बता रहा हूँ डेटा है। अब मुझे इस डेटा में से तीन चार तीन लोगों को मेल करना, जैन यहाँ पे डेटा हमने कर दिया, यहाँ पे तीन लोगों के यहाँ पे ईमेल ईमेल वन कोई कर देता हूँ ईमेल तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अभी भेजना होता है, इसको कॉपी करते हैं दूसरे सीट पर रखते हैं। अब दूसरे सीट पे क्या है कि यहाँ पे इसका टोटल नहीं जा रहा, वो सिर्फ जैन एंड मई जून का जाता है। फिर हम इसको कॉपी करके दूसरे सीट पर रखते हैं, रखते हैं और फिर इसमें पेस्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जैन यहाँ पे क्या है, जैन से मार्च तक ही जाता है। और फिर इसको हम राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी करते हैं, न्यू वर्कबुक में न्यू फाइल। तो हर बार मुझे करना पड़ता है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको बता देता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ, मैंने इसको यहाँ से डेटा को कॉपी किया और यहाँ पे यानी मान लीजिए मुझे दूसरे सीट पे जैन पे मार्च चाहिए, जैन पे मार्च को हमने कॉपी किया और दूसरे सीट पे पेस्ट नहीं किया। पेस्ट स्पेशल में हम पेस्ट एज ए लिंक करते, लिंक हो गया वहां भी चेंज होगा यहाँ भी चेंज हो जाएगा। और दूसरा मुझे इसमें कुछ कुछ कॉलम चाहिए, जैसे कि मुझे जैन का कॉलम चाहिए प्रेम का, फिर मुझे अप्रैल का चाहिए, अब मुझे मुझे मई जून का चाहिए। तो इसको कॉपी करते हैं और फिर पहले वाले में पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक कर देते हैं। अब कल के डेट में यहां से डेटा चेंज होगा, डेटा चेंज होगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली चेंज होगा, हर बार कॉपी पेस्ट करके डिलीट डिलीट करने वाला चांस नहीं रहेगा। क्लियर है? पुष्पनारायण जी को डाउट इसमें नहीं? नहीं। और ये आपके मेन डेटा से लिंक हो गया, जैसे डेटा में कोई चेंजिंग होगी वो अपने आप को यहीं पे चेंज कर देगा और बाद में आप इसको न्यू वर्कशीट पे कर दे, न्यू वर्कबुक पे करके फिर इसको सेव करके इसके जो फॉर्मूले है जो लिंक है उस लिंक को राइट क्लिक करके पेज वैल्यू करके हटा सकते। दूसरा तो पेज एज ए लिंक था, मतलब कि आपका डेटा जो, लेकिन मुझे चाहिए पेज एज ए पिक्चर, इसलिए क्योंकि मान लीजिए इतना बड़ा डेटा है मुझे इसको छोटे से एरिया में दिखा रहा है, तो अगर मैं कॉलम छोटा करता हूँ तो पूरा कॉलम छोटा होगा और इसके नीचे हो सकता है बड़ा डेटा लिखा हो। सो कॉलम छोटा नहीं करना चाहता, मुझे डैशबोर्ड पे इतना ही एरिया चाहिए, तो मैं इस एरिया को कॉपी करूंगा और जाऊंगा पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, पेस्ट पिक्चर लिंक मतलब लिंक बाद में करूंगा, पेस्ट एज ए पिक्चर यहाँ इस तरह का बना हुआ है, ये आपका पिक्चर बन गया। अब इसको अपने हिसाब से जैसे मर्जी वैसे बड़ा करना है, छोटा करना है, छोटा करना है, कहीं रखना है रख सकते हैं, बट ये आपको फाइल से कोई आपकी जो सी डेटा से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। ठीक है, उसके लिए लिंक नहीं रहेगा, क्या बोल रहे हैं, लिंक नहीं रहेगा खाली पिक्चर हाँ, रहेगा हाँ पिक्चर रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ लिंक भी हो तो राइट क्लिक कीजिए, यहाँ राइट क्लिक नहीं यही पिक्चर लिंक भी था तो ये पिक्चर लिंक होगा। अंकल के डेट पे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 63 कर देता हूँ, एंटर मारते देखिए 63 हो गया। कोई कलर चेंज करता हूँ तो हमारा
कलर कलर भी चेंज हो जाए, कोई भी चीजें यहाँ से हो जाएगी, ठीक से पिक्चर नहीं है। लेकिन अगर डेटा, तो जैसे मान लीजिए कि एक नीतू नाम का लड़की आ गई, तो फिर आपको दोबारा से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है दोबारा से कॉपी पेस्ट करना। हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पिक्चर या किसी भी तरह का चीज लिंक होता है फॉर्मूले से। ऊपर देखिए क्या है, एड्रेस दिया हुआ A1 से B6, B6 को 7 करके एंटर मार दीजिए, चेंज हो जाएगा आपका। और ये सेम सीट्स अनदर शीट अनदर फाइल पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं, साथ ही हम इसको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब पे भी कर सकते हैं। कैसे, एक बार वर्ड ओपन करें, और यहां से पेस्ट है जे कॉपी है ना, यहां पर कॉपी करना, कॉपी किया और यहां पे पेस्ट है जे स्पेस स्पेशल एक्टिव हो गया, यहां पे लिंक अब मैं यहां पे अपने ओरिजिनल डेटा पे किसी भी तरह का चेंज करता हूं। सवाल लीजिए, मैं यहां पे चेंज करता हूं इसको, और यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा। नहीं अपडेट हुआ तो राइट क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं, अपडेट लिंक पे, ठीक है। किसी को डाउट, किसी को डाउट? नहीं नहीं अब अगला टॉपिक है हमारा पिक्चर लुकअप। तो पिक्चर लुकअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए मैं आपको भी एक वीडियो भेज रहा हूं, उसको एक बार देखो, ठीक है। ठीक है, अभी आपको व्हाट्सएप पे हम आपको एक पिक्चर लुकअप का वीडियो भेज रहे हैं। ठीक है, आप सबको मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, तो पहले आप इस वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद हम पिक्चर लुकअप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पेस्ट इतना ही था, आगे हमारा पिक्चर लुकअप है, तो वो थोड़ा सा फॉर्मूला और बाकी चीजों से मिला हुआ है, तो मैंने आपको उसकी वीडियो भेज दी है, उसको एक बार देख लें, फिर कल हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप हमसे। हेलो हेलो, कोई डाउट नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ, और अभी जो मैंने वीडियो भेजी है पिक्चर लुकअप की, उसको एक बार देख लो, कल हम उसी टॉपिक को करेंगे। जी जी जी, ओके, बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम।